हाँ जी राम राम जी। सारा ने और सारे किसे हो, उम्मीद कर भी सारे बढ़िया होगे और बढ़िया रहने ची। तो यार है तड़के तड़के का टाइम, तड़के के बज रहे थे मेरे ख्याल से 8:30-9 का टाइम तो रहा था। तो मैं लाग रही थी यार चून बीन की तैयारी करने, तो मेथी की जूटी ले रखी थी परसों परले दिन ली थी, या मखा ऊँ हो गई थी थोड़ी सी, तो मखा कुंडी में तो गणी अण मकूटेगी, तो मखा इसने लिया मकूट दूँ हूँ। फिर इन लक्षी तार ना मना कर दे, ट्यूशन पर जाते बका कर खाऊंगी रोटी, ये जाकर 10 बजे ट्यूशन पे और 12 बजे आकर, 12 बजे इनकी छुट्टी आकर 2 घंटे इनका ट्यूशन। तो मखा चलो आए पीछे खा लेंगे, तो मखा इतने चून बेकदर दे हूँ और या इस टाइट हो रही है या इसकी मिक्सी की डोरी या इस ग्राइंडर की जो या डोरी है। तो या डे लाग रही थी मैं मेथी पीसण, और मेथी में मैंने नुकिन हरी मिर्च गई थी तो निकड़ी दशक जाहे इनकी बहुत गणी। तो भी व्लॉग ने ना लाइक ज़रूर कर दिया करो, जो भी व्लॉग देखते हो तो वैसे टाइम लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो बाण चैनल पर नहीं आओ, चैनल ने पहली बार देखा भी चैनल व्लॉग ने देख रही हो तो भाई वो चैनल कर लिया करो सब्सक्राइब। तो इसमें मैंने गेर लिया 2 घूंट पानी और लक्षी ताकत ही नीचे तो दिखाती नहीं है, मेरे मुँह मुँह कन कर रही है। तो थोड़ा सा पानी गेर कर इसमें नू हो जाए कति बारीक पीस जावे है कुंडी में, फिर भी टाइम भी ज़्यादा लग गया है और कति बारीक कुटन में और भी ज़्यादा टाइम लग गया और थोड़ी सी मेहनत भी है उसमें ना। तो यो थोड़ा सा सुविधा का साधन है। तो दशक जावती आड़े मेरे इनके बहुत करड़ी हरी मिर्च सूखी नू किनू इसमें पीसन ला गई, तो बहुत तेज दशक जावती। तो मखा रो सब्जी की टाल हो जाएगी, सब्जी सामने बनाई थी ना तो जा करके सब्जी बच भी रही थी, और मखाई भी मेथी के चलो भाई मखा बालक जो रोटी खाएंगे उनकी रोटी बना दूंगी और जो परांठे खाऊंगे उनके बना दूंगी परांठे। तो ये मैंने पीस दी थी और फिर आ गई थी मैं बाहर, और ईब लगाऊंगी मैं याडे राड क्योंकि झूठे चा पानी के कासण हैं और भी कुछ शाम के भी जुकर तो जो लेट खाऊं के रह जावे पीछे कोई कासण, और भी जो पहला खा ले उनके गल गल दू जावे इस जुकर तो का कर उनके ऊपर चली जाए तो उनके भी कासण रह जाऊँ भी रात ने वो भी लेट खावे हैं और ऊपर फिर सुबह आवे हैं वे चा पानी दे खाऊँ जब कासण उतर कर तो वे तड़के दूँ है। फिर तो मैंने याडे राड लगा दी है और ईब बना गाम लकड़िया बोरी भी सी चड़पड़ी चड़पड़ी हो रही है, तभी उसके गोबर के कूड़े के पान लाग गए हैं तो मका गाम तो लकड़ता को नहीं, आज भी ना लकड़े लकड़ रह के कुछ काम बंद रह रही के बार। तो या गाम में गेर दी मैंने और लक्षिता का पापा भी उसके जुखाम सा हो रहा है तो वो दवाई गोली लेकर चाय पानी पी के दोबारा लौट गए थे। इतने बहस भूसा का कर कने तड़के तो देखो मैं सामरा नहीं करूँ, तड़के इसके पापा सामरा करे, टाइम मेरा हो तो मैं भी सामर दूँ और ईब मैं सामर दूंगी एक बार ठाणा ने, और इतने मेरा हो जाएगा फिर पानी गर्म। और ईब आ गई थी बाहर और तो यो मोटा मोटा दोबारा सामर 2-3 बार सामरना पड़ा है, कभी मैं भी सामर दूँ फिर लक्षिता के पापा आओगे बाहर तो आनते फिर वो मांजन ठा लेंगे। तो यह जो पुराल सी सूखा सा खंड रहा सारे का एक बार पहला इसने एक जगह इकट्ठा करके यो गोबर में गेर कर और फिर सारे का बड्डी मांजन तो साफ सुथरा समर जावेगा। तो भी देखो डांगर डांगर डोर के घर में जड़े का सामर दूंगी थोड़ी आन पीछे, फिर लक्षिता का दादा होगा वो बाखर बुखर बेवेगा फिर उल्टा है बाखर खंड कहना नून नून के पान लाक जब बैसा हो जावे है और चड़पड़ चड़पड़ी चमासे से जैसा वो मौसम हो रहा है बिना गाम लकड़े तो जमा ऐसा खराब माटी सी हो जावे है। तो ये बैठे थे बेचारे सूखे में तो मखा बैठे रहने दे नून नून का सामर दूंगी जितना वो होगा कुछ तो सामर दिया था, और वे सारे जुकर तो यड़े का बगड़ का और भीतर गले ठाण सामर का सारा गोबर में कर दिया था सूखा साका, और गेट दोरे का दो दिया था मैंने गेट दोरे का और गाड़ न साम रही थी और सारा अड़े गेट गेट दोरे का दो दिया था। पानी आ जाए तो भाई देखो गाड़ ने रोज भी ना सामरण पानती कह पानी आ जाओ तो दो देवे है जो कर तो आज ना आ रहा था पानी तो आज मैं साम रही थी गाड़ ने बार कर सारी बहुत अच्छा लंबा भरना पड़ जावे है। और यो मैंने गोबर में गेर दिया है सूखा साका गोबर थोड़ा सा लेट गाल लेंगे बिना गाम लकड़ता तो बार गिर कर छत पे भी जगह को नहीं पाथन की गाम लकड़ा तो उठ जाऊँ गोसे नहीं तो इब आज छत पे भी जगह नहीं है वे गोसे उठ लेंगे पहले जब छा वो जगह होगी सामरण की। और ईब बताई थी मैंने थरते गोबर पाथन की मतलब ऊपर ले उठ ले होंगे जब जगह होगी। तो ईब याड मैंने लाग गई हूँ मैं बड्डी मांजने तय तो एक बार तो जो कूड़ा सा सारा पहला छोटी मांजन तक कर दिया था इकट्ठा और ईब करूँगी मैं बड्डी तय सारे ने सामर के उड़ा गोबर में इकट्ठा कर दूँगी सारे ने ले जाकर ने। तो भाई जाडा में तो अपनी याई रूटीन है देख लियो अपने यो बस डांगर डोरा का तो गोबर कूड़ा करया और भाई अपने चा पी रहना रोटी बनाई खाई अपने भीतर रहना
फिर इतने मोटा मोटा काम करे, फिर सोड़ गुदड़ डांबड़ कताते हो, फिर अपने फिर काम हो जाए दो फारे का, तो पूरा दिन बस गर्मन नु ये चाले जावे है। और उड़े का मैंने थरते दिखाया था कल, कमेंट करो तुम भाई, तो लोग पूरा देखा करो उड़े का, लाग रहा है काम हो रहा है चालू, और इबे पूरा हो जाएगा जब, और तुमने फिर दिखा देंगे नए घर का। तो भाई ये सूट भी आज जो आए हैं, ये है उसमें प्योर कॉटन में, मलाई कॉटन है शायद इनका कपड़ा। ये देखो कितने प्यारे ब्रश पेंट के। हाँ भाई, मलाई कॉटन जैसा सा मिक्स है, जाम कॉटन जैसा सा, मतलब जाम जैसा है, उस पर आ जाए बेस पर जाम तो सॉफ्ट है। दे देखो इन पर सारा पर ब्रश प्रिंट का काम हो रहा है, आला और 5 मीटर में पाऊंगी। ये देखो कितना प्यारा प्रिंट हो रहा है इनके ऊपर, कलर इनमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस पार है जैसे, इस पे ही ये कोटा डोरिया का दुपट्टा है, कोटा डोरिया में शायद ये तुमने दिखता भी होगा किसी में, इस पर ऑर्गेंजा मावा करे तो ही मैं ये पूरा तुमने दिख भी कोने से देख कितना प्यारा लागन लाग रहे सूट। देखो ये पल्ला पाओगे इसके चारों पल्ला पे और पूरे लंबे चौड़े दुपट्टे भी नूनी है, अभी भीड़ है, पूरे लंबे चौड़े दुपट्टे दे रखे हैं, कट वर्क दे रखे हैं। जैसे ये डार्क ग्रे कलर है, इसके ऊपर ये आगे बेबी पिंक कलर का दुपट्टा आ रहा है, सिलने के बाद बहुत प्यारा लगा, कितनी सुथरी खिलावट आ रही है। और एक ये आ गया शायद ये ब्लैक का दिख मैंने तो, ये देखो ये फिरोजी कलर का दुपट्टा आ गया इस पे, इसमें भी कोटा दोरिया दुपट्टा है। ये देखो भाई अलग अलग कपड़े पा रहे हैं, ये जुखर तो मेरे ख्याल तो मसलिन आ गई है, सिल्क सिल्की से मसलिन उस पर, इसका और भी थोड़ा बढ़िया उसमें कपड़ा लग गया मैंने, अलग अलग कपड़े पा रहे भाई। ये देखो बहुत प्यारा लग गया, यह कॉटन मसलिन लग गया मैंने, यह मसलिन कॉटन है। ये देखो ये और पूरे खोलने के बाद मेरा लगेगा पाचा पे भी है कन, इसके ऊपर भी यो कोटा डोरिया का दुपट्टा आ गया, ये भी कॉटन में है, यो उसमें है। ये देखो ये ब्लैक कलर में है, ये भी जाम जाम कॉटन से के उस पर, तो यह थोड़ी सी इसमें मांडी सी लकड़ का ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और भी इस पे जैसे ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा आ गया ब्लैक पे, व्हाइट और येलो कलर का ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा आ गया इस पे। तो भाई ये 11-1100 रेंज की सूट रेंज के हैं ये सारे सूट है। और भाई ये कौन सी बाण मंगवा, तो देखो इनमें ना तुम कम से भी कम 15 दिन का 2 हफ्ता का टाइम मान कर चलो, क्योंकि भाई ये गल गल रेडी करवाने पड़े हैं, ये जो खर तो सर्दी का टाइम है, इनका ये जो ब्रश प्रिंट हो ये थोड़ा लेट सूख गए हैं, तो जय करके इनमें थोड़ा टाइम लग जाओ भे, 2 हफ्ता का टाइम लेकर चल जा कर इन सूटा पे जब जा काम है ये, क्योंकि हफ्ता तो देखो पहुंचने में लग गया रेडी करवाने में और वो करवाने में लाग जा टाइम पाँच हो जाए थोड़ा सा। और आज एक और पार्सल आया हमारा और इन अब थोड़ा बेल्ट तो फिर करने लग रही है ओपन, मम्मी शायद शायद मिल क्या होगी इसमें पिंक वाली, क्या इतनी बड़ी व्यक्ति कर और कुछ होगा ओपन, शायद और कुछ होगा और कुछ होगा, भगवान 2 दिन तो निकाल दिया। और इसमें लक्सू का आया है, क्या आया है कैप, वो इस नाम लक्सू पर कर पी जाए इस पास की थी। और इसमें लक्सू के लिए क्या है ये देखो, क्या मम्मी है ये आया लक्सू का टॉप विंटर टॉप,
गर्मियों का सर्दी। अच्छा आ अच्छा उम्मीद तो है आना तो चाहिए। हाँ लगता तो है आ जाएगा ना। थोड़ा नहीं रहा दीदी इतना ही ठीक है इतना ही ठीक है। एम एस या एक्स होगा तेरे भी आ जाओ गए तो मेरा आ जाएगा पर ये तेरा ना होगा तो एक बार उसने देख ले लक्सूट डाल के फिर देखूंगी वो सही आओगी तो ना तो उसने का साइज करवाना पड़ेगा लक्सूट आगे कितने कपड़े लाने पड़े होंगे। ये देखो लक्षिता का आ गया है। इस पेट न घटा ले थोड़ा सा दौड़ मारा कर फिर सही कपड़े लागेंगे। दिखा घूम कर दिखाइयो वेलवेट से के उसमें फर वाला बढ़िया ना कलर तो अच्छा है इसका है ना ठीक है। तो बे हो गया टाइम 5:50 मेरा हो गया रोटी सब्जी का टाइम। ये मैं करूँगी अपना रोटी सब्जियाँ की तैयारी और लक्षिता देख ही बैठ कामल मैं लौट का अपने टीवी देखा है मैं कर लूँगी अपना काम और व्लॉग का करूँगी बस मैं यडे एंड। बनाना तो थोड़ा और था पर मैं खचल इतना ही डाल दूँगी मैं थार दूर है।